नमस्कार विद्यार्थी बहनों, हिंदी विषय में अपने अगाउ बे वीडियो में व्याकरण सीख्या। एना पछी हवे आगळ वर्तनी ए पण शीखवानी छे। तो आज हूँ तमने ए वर्तनी समझाऊं छु। पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 59 पर थी ए लीधेलू छे। घरे पण बधाए लखवानुं छे। आ रीते निम्नलिखित वाक्यों में दो दो शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध शब्दों के स्थान पर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। सबसे पहला वाक्य छे ए दसे दस वाक्य हूँ तमने अहीं वाँची ने संभळावुं छुं। पहेलुं वाक्य छे गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। बीजू वाक्य छे नेताजी ने ओजस्वी भाषण दिया। त्रीजू वाक्य छे मैंने प्रातःकाल घास पर ओस पड़ी देखी। चौथू वाक्य छे नौकर तोलिया लेकर आया। पांचवू वाक्य छे बूढ़ा सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया। छठू वाक्य छे भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। सातवू वाक्य छे दधीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दे दी। पछीनो आठवू वाक्य छे व्यापार में घाटा होने के कारण वह टन टन गोपाल हो गया है। नौ वाक्य छे हमें दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दसवां वाक्य छे उसकी आलोचना सुनकर मुझे कष्ट हुआ। हवे अहीं आज जे शब्दों छे ए वाक्य मां अशुद्ध शब्दों छे एने आपणे शुद्ध लखवाना छे। तो समझी लईए केम लखो। गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया तो एमां आशीर्वाद आ रीते लखवानुं छे। आ रीते आ खोटुं छे। आ रीते लखवानुं छे। बीजा वाक्य मां नेताजी ने ओजस्वी तो ओजस्वी मां आ रीते लखवानुं छे ओजस्वी। त्यार पछी त्रीजा वाक्य मां मैंने प्रातःकाल घास पर ओस पड़ी देखी तो एमां आ रीते लखवानुं छे प्रातःकाल। पछी अहीं लखेलुं छे ओस तो ओस ની જગ્યાએ ઓસ। ત્યાર પછીના વાક્યમાં નોકર તોલિયા લેકર આવ્યા તો નોકર ની જગ્યાએ આ રીતે નોકર લખવાનું છે અને તોલિયાની જગ્યાએ તોલિયા લખવાનું રહેશે। ત્યાર પછીના વાક્યમાં બુઢા સીડિયા નહીં ચડપાયા તો ત્યાં આવશે બુઢાની જગ્યાએ બુઢા અને સીડિયાની જગ્યાએ આવશે સીડિયા। ત્યાર પછી ભારત ને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર માં બહુ ઉન્નતિ કી હે તો એમાં બહુ આ રીતે નહીં લખાય, આ રીતે લખાશે બહુ। ત્યાર પછી દધીજીએ ધર્મ કી રક્ષા કે લીએ અપની હડિયા દેદી તો એમાં દધીજી આ ખોટું લખેલું છે, આ રીતે સાચું લખાશે દધી।
तो हमें दूसरों के कार्य में हस्ताक्षेप नहीं पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पाठ्यपुस्तक में जो व्यवस्थित लखवा। नमस्कार।